हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बताऊंगा व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेज रिकवरी, व्हाट्सएप डिलीट चैट रिकवरी, व्हाट्सएप डिलीट डाटा रिकवरी के बारे में। व्हाट्सएप का चैट अगर आपका डिलीट हो चुका है, फोटोज़ वीडियोस, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पुरानी चैट को वापस कैसे लाएँ। इसके लिए आपको क्या करना है, टॉप पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन होता है, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। इसे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा। पुरानी चैट को वापस लाने के लिए आपको नीचे तरफ आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है चैट्स, तो आपको चैट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसे आप चैट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप डिलीट चैट रिकवरी करने के लिए आपको नीचे तरफ आ जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है चैट हिस्ट्री, तो आपको चैट हिस्ट्री पे क्लिक करना है। इसे आप चैट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देन आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आ जाएगा। व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेज रिकवरी करने के लिए आपको यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट चैट, आर्काइव ऑल चैट, क्लियर ऑल चैट, डिलीट ऑल चैट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं पर भी व्हाट्सएप डिलीट डाटा रिकवरी वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो पुराना चैट को वापस लाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है चैट बैकअप, तो आपको चैट बैकअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसे आप चैट बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा चैट बैकअप, तो यहाँ पे आपको एक गूगल अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेज गूगल स्टोरेज के नीचे, तो आपको गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा जीमेल आईडी शो कर जाएगा, गूगल अकाउंट शो कर जाएगा, तो आपको यहाँ से कोई भी एक गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है जो आपके फ़ोन में लॉगिन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपका उस गूगल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट जो आपने किया था शो हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैकअप, तो आपको बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसे आप बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा और बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। बैकिंग अप मैसेजेस, प्लीज़ वेट अ मोमेंट, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन यहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका साइज शो कर जाएगा 47 MB का, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा जो बैकअप है सक्सेसफुल हो चुका है चैट बैकअप को लेने के बाद। अब आपको यहाँ से बैक करना है, बैक कर देने के बाद अब आपको फ़ोन में एक एप्लीकेशन होगा गूगल ड्राइव, तो आपको गूगल ड्राइव ऐप को ओपन करना है। इसे आप गूगल ड्राइव वाले ऐप को ओपन करोगे, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। व्हाट्सएप डिलीट चैट रिकवरी करने के लिए आपको टॉप पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन होता है, आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। इसे थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रैश, तो आपको ट्रैश या फिर बीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसे आप ट्रैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका सभी डिलीटेड चैट डाटा फोटोज़ वीडियोस यहाँ पे शो कर जाएगा फाइल्स पे। तो यहाँ पे लिखते हैं हमारा कुछ भी शो नहीं करा है। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं करता है तो आपको क्या करना है, बैक करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बैकअप्स, तो आपको बैकअप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप बैकअप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे लिखते हैं हमारा जो बैकअप हमने अभी लिया था वो यहाँ पे शो करेगा, आपका यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपको इसको डिलीट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, अभी आपको बैक कर देना है, बाहर आ जाना है गूगल ड्राइव से। देन आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप। जैसे आप व्हाट्सएप को सर्च करोगे, यहाँ पे आपका व्हाट्सअप का ऑफिशियल ऐप आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने से पहले आपको सभी चैट का बैकअप ले लेना है। अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा तो आपका करेंट चैट भी डिलीट हो सकता है। देन आपको क्या करना है, इसको अनइंस्टॉल कर देना है। जिसे आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा, अनइंस्टॉल दिस ऐप, तो आपको अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है। जिसे आप अनइंस्टॉल पर क्लिक करोगे, ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। देन आपके सामने इंस्टॉल वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको व्हाट्सअप को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। ओके गाइस, हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आया जाता है ओपन, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका व्हाट्सअप ऐप ओपन हो जाएगा। देन आपके सामने लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, वेलकम टू व्हाट्सएप, तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया। देन आपको इस एरो पे क्लिक करना है। इसे एरो पे क्लिक करोगे, कुछ तरह इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम टू व्हाट्सएप, अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसे आप अग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे,
यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा। और आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट्स एंड मीडिया, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है ताकि आपका डिलीटेड चैट फोटोज़ वीडियो वापस आ पाएगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा अलाउ व्हाट्सअप टू एसेस योर कॉन्टैक्ट, अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ व्हाट्सअप टू एसेस फोटोज़ एंड मीडियाज़ ऑन योर डिवाइस, तो आपको अलाउ पे क्लिक कर लेना है। देन आपका उस तरह का पेज ओपन हो जाएगा लुकिंग फॉर बैकअप, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा रिस्टोर बैकअप, रिस्टोर योर चैट्स, रिस्टोर योर मैसेजेस एंड मीडिया फ्रॉम गूगल स्टोरेज, इफ़ यू डू नॉट रिस्टोर नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू रिस्टोर लेटर। तो ये बोल रहा है कि अभी आपको रिस्टोर कर लेना है, अगर आप स्किप पे क्लिक करोगे तो आपका डिलीटेड चैट फोटोज़ वीडियोज़ वापस नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग शो करेगा, आपका चैट फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पे रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिनिश हो चुका है 99%। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे पेज लोड होगा। देन आपके सामने आपका प्रोफाइल इन्फो आ जाएगा। देन आपको क्या करना है यहाँ पे अपना नेम एंटर कर लेना है, जैसे कि आप लिखते हैं मैंने यहाँ पे जवाब एंटर कर दिया। देन आपके सामने एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे लोडिंग लेगा कनेक्टिंग। देन आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा लॉग इन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट योर अकाउंट, तो आपको क्या करना है स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड ईमेल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, तो आपको इसको भी स्किप कर लेना है। जैसे आप स्किप पे क्लिक करोगे यहाँ पे इनिशियलाइजिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। सो फ्रेंड्स देखते हो हमारा जो डिलीटेड चैट वापस आ चुका है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेज रिकवरी कर सकते हो, व्हाट्सएप डिलीट चैट को रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप व्हाट्सएप डिलीट डाटा रिकवरी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स या इशूज आता है व्हाट्सएप डिलीट चैट को रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा यूज़र नेम है शेख जवाद अली, सबसे पहले आपको मुझे फॉलो करना है, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपका हेल्प करने का ट्राई करूँगा। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।